मेरे सभी भाई और दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज हब में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोविड-19 की इस महामारी में आप सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और आपका साथ यूं ही हमेशा बना रहे। आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक वाटर रेजिस्टेंस, जो कि फिजिकल एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्रिक्शन अर्थात घर्षण, दूसरा पॉइंट वाटर रेजिस्टेंस जो कि हमारे टॉपिक पे बेस्ड है अर्थात जल प्रतिरोध, तीसरा पॉइंट बायंसी अर्थात उछाल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरा वीडियो अधिक से अधिक लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगला वीडियो आप किस विषय से संबंधित किससे संबंधित चाहेंगे वह हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस से ही आप लोग समझ सकते हैं कि आज हम लोग किससे संबंधित बात करेंगे। वाटर रेजिस्टेंस में हम लोग तैराकी से संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो अब हम बात करेंगे वाटर रेजिस्टेंस के सबसे पहले पॉइंट फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे शरीर पर कैसे कार्य करता है। फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज अ फोर्स दैट रेजिस्ट और अपोजिस द मूवमेंट ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। इट एक्ट पैरेलल टू द टू सरफेस एंड इन अ डिफरेंस अपोजिट टू दैट ऑफ द मोमेंट। अर्थात घर्षण को एक ऐसे बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर पर विरोध या प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, या दो सतहों के समानांतर और विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन में टाइप ऑफ फ्रिक्शन कि यह कितने प्रकार का होता है। फ्रिक्शन में टाइप ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन जिसमें वाटर और एयर आता है। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन यह दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एयर और वाटर। पॉइंट नंबर टू, वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे शरीर पर कैसे कार्य करता है या किस प्रकार से जी हमारे जीवन में उपयोगी है। पॉइंट नंबर टू, वाटर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन अकॉर्ड्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू वाटर। इफ वी गो फॉर स्विमिंग देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर स्किन एंड द वाटर पार्टिकल, दिस इज नोन एज वाटर रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल होता है एक्वाटिक, बोटिंग एंड स्विमिंग। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्वाटिक है, बोटिंग है, स्विमिंग है। वाटर रेजिस्टेंस अर्थात जल प्रतिरोध अर्थात तैराकी के समय हमारे शरीर की त्वचा और जल के कणों के बीच एक घर्षण होता है, वह ही वाटर रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है एक्वाटिक, बोटिंग एंड स्विमिंग में जल प्रतिरोध कार्य करता है। दिए गए चित्र के अनुसार आप समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। दर्शक, अब हम बात करेंगे तैराकी के कारकों की, कि तैराकी के कार्य कौन कौन से होते हैं। इनकेस स्विमिंग कंसिडरेबल फैक्टर आर, सबसे पहला पॉइंट होता है मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, रेजिस्टेंस, सो बॉडी हैज़ टू डू सम एक्ट एडजस्टमेंट फॉर स्ट्रीमलाइन, सो टू डेवलप वेलोसिटी। नंबर पहला पॉइंट होता है स्विमर हैज़ टू अप्लाइड ऑप्टिमम मस्कुलर फोर्स। नंबर टू, दूसरा पॉइंट है रिड्यूस द वाटर फ्रिक्शन। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, किस विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अब हम अपने टॉपिक के तीसरे और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, बायंसी के बारे में, कि बायंसी क्या होता है, कैसे कार्य करता है हमारे शरीर पर। बायंसी, बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स द लिक्विड ऑन होनली और पार्टली इमर्ज बॉडी। आर्चमैडिक स्टेट दैट अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड लिक्विड इन बियॉन्ड अप बाई अ फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई द बॉडी। जल के द्वारा एक आभासी बल हमारे शरीर पर ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे हमारा शरीर पानी की सतह पर तैरता है, जिसे ही बायंसी कहते हैं। बायोन्सी में हमारे पैरों के द्वारा ड्रैग तथा हाथों के द्वारा थ्रस्ट आगे की ओर होता है और शरीर का भार नीचे की ओर कार्य करता है,
जिससे शरीर की त्वचा और जल के कणों के द्वारा एक आभासी बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे हमारा शरीर पानी में तैरता है, जिसे ही बायोंसी कहते हैं। एज वेन आ बॉडी इज इमर्ज्ड इट लॉसेस द वेट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इसे साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब हम तैराकी करते हैं तो अपने शरीर के भार के बराबर हम जल को हटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हटाए गए जल की मात्रा शरीर के भार के बराबर होती है, अर्थात शरीर के भार के बराबर जल को हम हटाते हैं हुए आगे बढ़ते हैं। चित्रानुसार आप देख सकते हैं कि जब हम भी तैराकी करते हैं तो थ्रस्ट हमारा आगे की ओर होता है, जो आभासी बल पानी के द्वारा लगता है, जल के द्वारा लगता है, बायोंसी ऊपर की ओर होता है, वेट हमारा नीचे की ओर होता है और ड्रैग जो हमारा होता है वो हमारे पैरों के माध्यम से पीछे की ओर होता है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ यूजफुल कंपोनेंट इन अ स्विमिंग, अर्थात सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि तैराकी करने के लिए विशेष गुरुत्व घटक की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस फार्मूले के माध्यम से जान सकते हैं। एज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू बॉडी वेट अपॉन H2O डिस्प्लेसमेंट, अर्थात शरीर का भार बटे हमारे शरीर के द्वारा हटाए गए जल का भार। आप सूत्र को देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू बॉडी वेट अपॉन H2O डिस्प्लेसमेंट। चित्र के अनुसार भी आप देख सकते हैं। टू रिड्यूस द वाटर रेजिस्टेंस द स्विमर्स शुड कीप द फॉलोइंग फैक्टर्स इन माइंड, बिकॉज वेलोसिटी डेवलप एज मच बाई रिड्यूसिंग द वाटर रेजिस्टेंस एज इट डेवलप्स बाई इंक्रीजिंग द फोर्स। सिंस देयर इज अ लिमिट फॉर इंक्रीजिंग द फोर्स, देयरफॉर इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस द वाटर रेजिस्टेंस दैट द वेलोसिटी कैन बी फ्लूड फर्दर। अर्थात पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए तैराकों को निम्नलिखित कारकों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए कम करने से वेग उतना ही उत्पन्न विकसित होगा जितना बल बढ़ाने के लिए विकसित होता है। चूंकि बल बढ़ाने की एक सीमा होती है, इसलिए यह पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए एक वांछित है कि वेग आगे का निर्माण किया जा सकता है। पैरों से ड्रैग करते हुए तथा हाथों से थ्रस्ट करते हुए हम आसानी से अपने शरीर को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसमें वेग अधिक रखेंगे तभी हमारा शरीर आगे की ओर बढ़ सकता है। हैज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप वाटर रेजिस्टेंस शुड बी कंट्रोल्ड विच आर एज फॉलोज। नंबर वन, वेव्स एडिट रिबाउंड ऑफ वाटर वेव्स, कैपिचिएशन, स्किन फ्रैक्शन। नंबर फाइव, द मस्कुलर फोर्स। नंबर सिक्स, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। नंबर सेवन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। पॉइंट नंबर एट, रेजिस्टेंस ड्यू टू द फिजिकल फीचर्स। प्लीज आप सभी लोग मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अकॉर्डिंग टू कार्पोविच, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं आप, प्रोपोलिंग एफ इजक्वल टू के वी स्क्वायर, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, के इजक्वल टू कॉन्स्टेंट विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ 0.6, वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन वाटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रैक्शन वेव ETC। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। योग से संबंधित मेरे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें देखना ना भूलें। जल्द ही नए टॉपिक और नए टेस्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।